मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस 9th क्लास का जो है एक हमारा चैप्टर था जिसमें हमने देखा था देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और किस किस तरह से हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कैसे मैनेज करना है नेचुरल रिसोर्सेज, अभी भी हमारे पास काफी ज्यादा नंबर में प्रेजेंट हैं, हम उनका यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको मैनेज कैसे करेंगे। मैनेज करने का मीनिंग है कि उनको हम इस तरह से कुछ यूज करें ताकि वो एकदम से जो है खत्म भी ना हो और आने वाली जो जनरेशन है वो भी इनका यूज कर पाए। तो दैट इज मैनेज, मैनेज करने की जरूरत है आज नेचुरल रिसोर्सेज को, क्योंकि बहुत ही फास्ट रेट पे जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो कैसे मैनेज करना है, तो सबसे पहले रिसोर्स की बात कर लेते हैं। व्हाट इज अ रिसोर्स और व्हाट इज अ नेचुरल रिसोर्स। एनीथिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट विच वी कैन यूज, एनवायरमेंट की कोई भी ऐसी चीज जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, दैट इज नोन एज अ रिसोर्स। तो रिसोर्स सोयल भी हो सकती है, एयर भी है, वॉटर भी है, ये सारे रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज। कौन कौन से हैं? सोयल है, एयर है, वॉटर है, ये सारे के सारे जो है रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। अब इसमें एक आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो इसमें एक वर्ड आएगा वसुधैव कुटुंबकम, एक संस्कृत का आपको इसमें श्लोक सा दिखाई देगा, एक लाइन है वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें ये बताया गया वसुधैव का मतलब ये जो पूरी अर्थ है ये एक हमारी फैमिली है, तो हमें इसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, इसको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। तो जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है इसमें लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं, जो कि कॉन्टिन्यूसली हम अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हम उनको एक्सप्लोइट करते जा रहे हैं और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट आउट करने के लिए हम इनको एक्सप्लोइट करते जा रहे हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं किस किस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं या कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है जिनको हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंटली। तो टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर, उनकी केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो हमारे पास जो है बेसिकली थ्री टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर। कौन कौन से हैं? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक and mixed। अब ये कौन कौन से हुए इनऑर्गेनिक जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे एयर है, वॉटर है, ये दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक रिसोर्सेस हैं। ऑर्गेनिक कौन से हो गए? प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, वेदर दे आर माइक्रोब्स, फंगस, ये सारे के सारे जो भी हैं वो ऑर्गेनिक में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड रिसोर्स वो होता है जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, जिसके अंदर लिविंग भी और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होते हैं और ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी है। तो ये कौन सा है? सोयल। सोयल इज ए मिक्स्ड नेचुरल रिसोर्स क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, इसकी जो कंपोजिशन में आते हैं। जब भी हम सोयल की कंपोजिशन पढ़ते हैं तो हम उसमें सिर्फ सैंड, सिल्ट और क्ले ही नहीं लिखते हैं, हम उसके अंदर बोलते हैं कि सोयल की नॉर्मल कंपोजिशन में माइक्रोब्स भी होते हैं जिनका वो हैबिटेट होता है, जो कि सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सोयल में दोनों तरह के प्रेजेंट है तो इस तरह के नेचुरल रिसोर्स को हम कह देते हैं मिक्स्ड नेचुरल रिसोर्स। तो ये तो थे अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर। अब अकॉर्डिंग टू देयर अबंडेंस, वो नेचर में कितने ज्यादा प्रेजेंट है, कितने फास्टली जो है वो हम उनको यूज करके खत्म करते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमने टाइप्स यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? अकॉर्डिंग टू देयर अबंडेंस इन नेचर, नेचर में उनकी अबंडेंस के अकॉर्डिंग दो तरह के हैं जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, दैट आर इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल।
inexhaustible and exhaustible. Inexhaustible कौन से हैं कि हम इनका कितना भी यूज कर लें ये कभी भी नेचर में जो है वो खत्म नहीं होंगे. तो क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं inexhaustible के, कोई बताएगा? कोई बच्चा बताएगा inexhaustible के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी. लाइक रेन, एयर, क्ले, सैंड, टाइडल एनर्जी, ये सारी की सारी जो है नेचर में प्रेजेंट है जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं. लाइक रेन, एयर, क्ले, सैंड, टाइडल एनर्जी, ये जो है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस हैं. एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं जो कि हम जो के एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब जब हम ज्यादा यूज करेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस. इनको भी हमने दो में डिवाइड किया है ग्रुप्स में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. गेट एग्जॉस्टेड व्हेन यूज्ड एट फास्ट रेट, बहुत ही फास्ट रेट पे जब आप इसको यूज करते जाओगे तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे अल्टीमेटली. तो इनको भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है. कौन कौन से ग्रुप्स हैं? इसके हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. अब रिन्यूएबल ये है कि अगर ये रिन्यूएबल है, अगर आप इनका एक लिमिटेड उसमें यूज करोगे और इनको हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, बट दे रिक्वायर सम टाइम टू गेट रिन्यूड. तो रिन्यू होने में इनको, रिप्लेनिश होने में इनको टाइम लगता है, बट हाँ हम इनको रिप्लेनिश करते हैं, कर सकते हैं अगर हम इनका जुडिशियस यूज करें तो. कैन बी रिप्लेनिश्ड If used judiciously use करो और उनको हम replenish कर सकते हैं, but it takes a lot of time. Replenish हो जाते हैं. Example है like forest, crops, domestic animals. इसके अलावा आ जाते हैं इसमें ग्राउंड वाटर, तो ये वो रिसोर्सेस हैं कि अगर जुडिशियसली ये यूज किए जाएं और हम एफर्ट करें इनको जो है दोबारा से रिप्लेनिश करने का, तो ये दोबारा रिप्लेनिश हो सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम टू गेट रिप्लेनिश. जैसे ग्राउंड वाटर है, इसको रिप्लेनिश किया जा सकता है, लेकिन हमें उसका यूज जो है थोड़ा कम करना पड़ेगा. और जो है ग्राउंड वाटर के लिए जो वाटर है, रेनिंग वाटर है, अंडरग्राउंड जो है वाटर जाने के लिए, परकुलेट होने के लिए जगह होनी चाहिए काफी सारी. हमें पॉन्ड्स जो है, आर्टिफिशियल जो हम पॉन्ड्स बनाते हैं वो हमें खुद बनाने चाहिए. जो पॉन्ड्स खत्म हो रहे हैं उनको जो है हमें दोबारा से जो है रिप्लेनिश करना है. तो ये करके हम अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को भी राइज कर सकते हैं, बट इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है. जैसे एक फॉरेस्ट एरिया है, आपने यूज कर लिया एक पूरे फॉरेस्ट एरिया को, आप दोबारा डेवलप कर सकते हो उसको, लेकिन इट टेक्स 20-30 years टू रिप्लेनिश दैट फॉरेस्ट. और मे बी अगर प्लांट्स के अकॉर्डिंग 10 or 15 years में भी दोबारा से रिप्लेनिश हो सकता है. तो ये तो है जिनको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं? मेटालिक मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स. तो ये
वो वाले हमारे रिसोर्सेज हैं जो बहुत जो है फास्ट रेट पे हम इनका यूज भी कर रहे हैं, लेकिन हम इनको रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे फॉसिल फ्यूल है, कोयल है, पेट्रोलियम है, ये फ्यूल ऐसे हैं कि आप अगर इनका स्लो भी यूज करेंगे ये दोबारा नहीं बन रहे हैं, ना आप दोबारा इनकी फॉर्मेशन कर सकते हो, क्योंकि जिन कंडीशंस में इनकी फॉर्मेशन हुई थी उस तरह का एनवायरनमेंट आज पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया नहीं है कि कोयल की फॉर्मेशन उसी तरह से दोबारा हो पाए। तो ये जो भी है हमारे पास वो स्टॉक है जिसको हम यूज करते जा रहे हैं और वो खत्म होता जा रहा है। तो ये तो है कि किस तरह से जो है कौन कौन से टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन थी नेचुरल रिसोर्सेज की। अब आ जाती है बात कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अब क्या है, देखो जो भी हमने प्रोग्रेस की है इतने सारे सालों में, साइंस और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट है ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं हमें जो बेनिफिट दे रही हैं, हमारे बेनिफिट के लिए हैं, चाहे वो मेडिसिन के केस में कर लें या हम और सेक्टर्स की बात कर लें, तो हमें ह्यूमन बीइंग को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई नई जो है इन्वेंशन होती है, हम उसका काफी लार्ज स्केल पे यूज करते हैं, तो उसमें से जो डिस्कार्डेड पार्ट होता है, उसका वेस्ट होता है, वो हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठा होता रहता है। नॉर्मली क्या होता है, हमारी नेचर की एक नेचुरल कैपेसिटी होती है, नेचर की एक कैपेसिटी है कि वो एक मिनिमम एवरेज लेवल ऑफ जो वेस्ट है उसको वो खुद ही रिसाइकल करती है। नेचर की हम बात करें कि उसकी ये कैपेसिटी है कि वो एक एवरेज लेवल है उसका, जिसको जिसमें इतना वेस्ट आप डालोगे तो वो नेचुरली उसको रिसाइकल कर देती है बहुत सारी सब्सटेंसेस को। लेकिन आज जो हमारा प्रोडक्शन है वेस्ट का, वो इतना फास्ट हो चुका है कि वो सारा का सारा वेस्ट जो है एनवायरमेंट में इकट्ठा होता जा रहा है, उसके ढेर लगते जा रहे हैं। अब जो नेचर की कैपेसिटी है उसको रिसाइकल करने की, वो जो है एग्जॉस्ट हो गई, अब वो नहीं कर पा रही है, अब वो इकट्ठा होता जा रहा है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता जा रहा है, पॉल्यूट करता जा रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो पॉल्यूट होते जा रहे हैं। तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड है कि किस तरह से उनको कंजर्व किया जाए। तो कंजर्वेशन वर्ड यहाँ पे हो रहा है यूज की कैसे कंजर्वेशन की जाए। व्हाट इज कंजर्वेशन? It means controlled utilization of natural resources for the benefit of life. Means controlled utilization. आपने conservation का मतलब है controlled utilization. आपने ऐसा नहीं है कि natural resource use ही नहीं करना है। देखो हम नेचर में रहते हैं तो obviously उसके जो resources हैं उनकी help से ही हम survive कर रहे हैं, हमें उन resources को utilize करना है, but एक controlled manner में करना है, ताकि हमें डेवलपमेंट भी करनी है तो वो एक प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो यहां पे आपको बता रही हूं कि हमें जो है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज भी करना है और अपनी डेवलपमेंट भी करनी है, लेकिन कंजर्व कैसे करेंगे, यूज करेंगे तो कंजर्व कैसे करेंगे, तो यूज करें लेकिन उसको बहुत ही कंट्रोल्ड वे में यूज करें, ताकि वो रिसोर्स जो है अगर वो रिप्लेनिश हो सकता हो तो उसको रिप्लेनिश होने का टाइम मिल जाए। तो इसके अंदर एक और टर्म आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि देखो ऐसा नहीं है हम कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज नहीं लगानी चाहिए या इस तरह का हमें कोई भी साइंस और टेक्नोलॉजी में जो हम प्रोसीड कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? इट इज द डेवलपमेंट वी विच मीट द करंट बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट एंड आल्सो प्रिजर्व द रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन. मतलब ये आज तो हमारी जो बेसिक नीड है उसको भी पूरा करें. हम डेवलपमेंट ऐसी करेंगे कि जो डेवलपमेंट हमारी आज की जरूरतें हैं उसको भी पूरा करें, और जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उसको इस तरह से हम यूटिलाइज करें कि आने वाली जनरेशन के लिए वो बचा रह जाए. ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए हम आज ही उसको यूज कर लें और फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बचा ना रहे. तो डेवलपमेंट विच मीट द करंट बेसिक ह्यूमन नीड. Meet out the current basic human need and also preserve the resource for future generations. सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज का एक बर्निंग टॉपिक माना जाता है कि हमें डेवलपमेंट जरूर करनी है, लेकिन डेवलपमेंट इस तरह की करनी है कि जो हमारा रिसोर्स है वो जो है फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा रहे. ठीक है, तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब बात आ जाती है कि जो नेचुरल रिसोर्स है, क्या जरूरत पड़ी उन नेचुरल रिसोर्सेज को, ऐसी क्या दिक्कत आई कि हमें मैनेज करना पड़ा. तो यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज. क्या जरूरत है कि हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने की. एक मिनट. अब है why do we need to natural resources को manage करने की क्या requirement है. सबसे पहले द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर लिमिटेड. सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में. बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आप देख रहे हैं हमारा कोयल है, हम पेट्रोलियम की बात करें तो ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में बचे हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर जनरेशंस भी इनका बेनिफिट लें तो हमें इनको बहुत ही जुडिशियसली यूज करना पड़ेगा. आपको पता है पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हमारी इंक्रीज होती जा रही है कि वो इन रिसोर्सेज को बहुत ही फास्ट रेट पे यूटिलाइज करती जा रही है. तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा ताकि हम उनको यूज भी करें लेकिन बहुत ही जुडिशियसली यूज करें. अब दूसरा कहता है प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड preventing their exploit. लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव किसे कहा जाता है? जब तक ऐसी कोई बड़ा रिसर्च नहीं होती है कि हमारे पास कोई नया फ्यूल आ गया है, हमने कुछ ऐसी डिस्कवरी कर ली है जो इनको पीछे छोड़ रही है, इनकी इनको रिप्लेस करती जा रही है, जब तक तो हमें इनके एक्सप्लोइटेशन को रोकना पड़ेगा.
ताकि जो हम लोग भी यूज करें और बाकी आने वाली जनरेशन भी यूज कर पाए, तो इनके एक्सप्लोइटेशन को हमें रोकना पड़ेगा। और यहाँ पे दिक्कत आती है शॉर्ट टर्म बेनिफिट जो है लोग उसकी वजह से एक्सप्लोइटेशन, बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि जैसे एक आपका मान लो एक एरिया है, आप किसी गांव में या किसी फॉरेस्ट एरिया के नजदीक रहते हैं, आपको पता चला कि ऐसी किसी प्रोडक्ट के बारे में हमें पता चला है जो हमें किसी प्रॉपर प्लांट से मिल रहा है, और वो इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता जा रहा है। वो जो प्रोडक्ट है जो मिला है वो इंडस्ट्री में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, चाहे वो किसी मेडिसिन की फॉर्म में है, चाहे किसी और कहीं पे यूज हो रहा है। मान लो एक प्लांट से ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिला, आपको पता चल गया, और वो प्लांट आपके फॉरेस्ट एरिया में बहुत ही ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव है या आपका शॉर्ट टर्म जो गेन्स है, आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं आप उनको देख रहे हैं ना, या आप जो लॉन्ग टर्म गेन्स हैं वो लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट है वो आप कंसीडर। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल जो है मैं नेक्स्ट